इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं पांच से छह लाख के आसपास और सीट्स कितनी है वन थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं जिनका नहीं होता है जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ उनके रिश्ता क्या होता है उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं <laughs> <laughs> वो वो फिर उनकी चिंता करते हैं <laughs> मैं नहीं नहीं मैं आ रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन आ रहा आपको ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है मैं समझना मैं, चाहूंगा कैसे मैं, मैं बता बताऊ हाँ। मैं दोनों मुद्दों पर हम सब हारने से डरते हैं और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है नाइन्टी एट परसेंट केसेस में हारने से क्यों डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे तीन लोग बैठे हैं ना रिश्तेदार रिलेटिव और फ्रेंड वो जीने नहीं देंगे आप जब भी आई की तैयारी करें पहला अटैम्प्ट आपका सीरियस अटैम्प्ट होना चाहिए आपने तैयारी किया एंड बेसिक्स तैयार किए आपने एडवांस कोर्स तैयार किया आपने कम से कम मेंस के हजार आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम दस हजार प्रिलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं तब आप एग्जाम देने जाइए सिर्फ एक अटैम्प्ट दीजिए जिसने भी पहला अटैम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती रिविजन करना पड़ता है भाई आप देखो ना जितने सारे सेलेक्ट लड़के होते हैं हो, उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं जॉब कर रहे होते हैं कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है नहीं जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती जॉब करते वक्त रिवीजन हो सकता है थ्री आवर्स पर डे फोर आवर्स पर डे तो मेरी एडवाइस ये है क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है खेल है ये मैं खुद ही बाहर हुआ और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो पांच पांच छे छह अटेम्प्ट के बाद बाहर होते हैं तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है बहुत अच्छा है आपको मैक्सिमम रेस्क लेना है तो आप दो ले लो उसके बाद अपना काम शुरू करो जो आपका सेकेंड लाइन थॉट था कोई लॉयर बनना चाहता है कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है कोई uh, मतलब जो भी आप एंटरप्रन बनना चाहते हैं आप करो लेकिन अपने वो रिवीजन वाले फोर आर बचा के रखो आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे सर चार चार अटेम्प्ट्स आपने दिए थे और आपने कहीं से कोचिंग ली थी यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में नहीं तब लाखों नहीं थे तब हजारों थे अच्छा हजारों रुपए आपने खर्च करे थे और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे तो टोटल चार साल में आपका कितना पैसा लग गया होगा रहना खाना पीना और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी साथ में कुछ और नहीं किया होगा आई थिंक सो कुछ नहीं किया बिल्कुल तो कितना आपका चार साल में अच्छा खासा पैसा लाख रुपए लगे पाँच छह लाख रुपए उस समय लगे उस समय आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे तीन चार गुना पांच गुना आराम से लगेगा आराम से तो पंद्रह बीस लाख रुपए उस इंसान का लग गया और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहाँ करा चार पाँच साल बाद हाँ वही वही मैंने कहा कि अब आप हमारे समय तो ठीक था अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते यू हैव टू बी कॉशियस अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है एक जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं वो एक दो अटैम्प्ट ऐसे ही देते हैं अब तो इनके पास छः अटैम्प्ट हैं ओ बी सी हैं तो और ज़्यादा हैं एस सी एस टी हैं तो और ज़्यादा और मैं कहूँगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आप दो अटैम्प्ट से ज़्यादा कभी मत मानिए

उसको तो फियर होता नहीं उसे कुछ पता नहीं उसने कोबरा देखा जाके पकड़ लिया वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भाई यह कोबरा पकड़ के घूम रहा है <laughs> लेकिन हम बड़े हो गए ना अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वॉर्न करेगी अलर्ट करेगी दैट इज़ नेचुरल फियर वो अच्छी चीज़ है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है वो ओवर थिंकिंग है आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है वो ओवर थिंकिंग से परेशान है अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है उस फैक्टर पे आते हैं ओवर थिंकिंग की वजह क्या ओवर थिंकिंग की वजह ये है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है यू आर आउटसाइड योर हाउस तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंडन से आई क्या लाइफ है लंडन में यार और मैं तो ये कर रही वो कर रही आपको लगा हम पागल है यार आईएस की तैयारी कर <laughs> फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी नाइनटीज में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे हमारी जो लाइफ थी वह ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी आपने भी सर देखा होगा क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं काम कर रहे हैं अर्न कर रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है फिर क्या होता है हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं हा, हा। एक हमने ओवर थिंकिंग की हम अपना संभाल लें किसी तरह हम घर के अंदर गए मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी <laughs> बीस लाख का पैकेज है उसका दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया ये जो प्रेशर्स हम मल्टीपल फेस करते तो एक तुम्हारा प्रेशर एक मां बाप का प्रेशर पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया क्या कर रही हो जी तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे ये कोई फियर नहीं है ये प्रेशर दूर कैसे होगा इस पर थोड़ी सी बात कर ले जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है आज का युवा क्या कर रहा है बादाम का तेल लगा रहा है बादाम की क्रीम लगा रहा है बादाम का साबुन लगा रहा है खारा गुटका <laughs> <laughs> आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज़ रिपीट करता हूं योगा करो ध्यान करो ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा सर आपने जैसे कि अभी बोला कि मेंटल स्टेट के लिए एक्सरसाइज करो योगा करो तो पहले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ठीक है मैं सुबह से मतलब योगा या एक्सरसाइज है मेरा डेली रूटीन है करना भी और कराना भी उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ ये नहीं कि मन नहीं लगता इस चीज़ में ही मन लगता है फैमिली से भी पूरा मन लगता है ठीक है उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिप्रेस हो जाती हूँ तो उसको डिप्रेशन कैसे कम करीजिए हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब सात आठ साल पहले धोला से रात का टाइम था और हम दोनों मैं गाड़ी चला रहा था हम इंडिया गेट के सामने से निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं मैंने गाड़ी रोकी मैंने को उतरो <laughs> तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ मैंने को उतरो तो उतरो जरा उतर गए मैंने दरवाजा बंद करो चले गए आज तक मैंने उनसे बात नहीं की उनसे पूछते हैं आज अब तो खैर बात ही नहीं होती पर वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि अवध क्या हुआ तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो काम करती हो जब तुम वापस घर में आती हो अपने समाज में जाती हो तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है वो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं इसीलिए तो माँ बाप हमारी संगत पर बड़ा ध्यान देते हैं तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश हैं माँ बाप भगवान हैं उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेकर जाया करो उनके सामने कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा इस जितना माँ बाप करते हैं कोई स्कैनर क्या करेगा सही बात है देख के कोई फोटो कैमरा क्या फोटो खींचे बता देते देते हैं कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा <laughs> सा लॉजिक देते हैं तो ये हमारे साथ होता है इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है मैं अभी अब घर गया था हमसे लोग कह रहे भैया 24 का चुनाव लड़ोगे <laughs> मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि तुम सीधे प्रधानमंत्री बन जाओ अननेसेसरी अननेसेसरी परेशान किए दूसरों से मत और ये एक जगह का नहीं है ये यूनिवर्सल हो चुका है तुमने कह दिया कि मैं आई की तैयारी कर रही हूं अरे नहीं होता किसी का तिवारी जी की लड़की दी थी दो साल बाद पागल हुई <laughs> तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है yes, yes, वो कोई सहारा नहीं होता आपने टाइप किया संदीप महेश्वरी एक वीडियो आ गया आप रिलैक्स हो गए जब आप इन्हें सुनते हो तो आपका टेम्परेचर हाई होता है तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेम्परेचर हाई हो हमको सुन लिया कुछ ज्यादा ही हाई हो गया <laughs> लेकिन दो लोगों को छोड़ दो तीन लोगों को छोड़